प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और आज हमारे साथ सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज विधानसभा में 2023 और 24 का बजट पेश करेगी। करीब 7 लाख करोड़ का ये बजट पेश होगा और इससे आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम तरह की आम जनता इससे अपना उम्मीद बनाए हुए है। और गौरव, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी सरकार आज अपना विधानसभा में 2023 और 24 का बजट पेश कर रही है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए रंजनी, बजट के अगर मायने रखे, तीन महत्वपूर्ण मायने: उम्मीदों का बजट, विश्वास का बजट और चुनावी बजट। चुनावी बजट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि केंद्र की कुर्सी उत्तर प्रदेश के रास्ते ही होकर जाती है। तो अगर इसको उम्मीदों का बजट, विश्वास का बजट और चुनावी बजट कहेंगे तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से योगी सरकार हर बजट में एक नया इतिहास रचने का प्रयास करती है, रचती है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है बजट का जो आंकड़ा है वो हर बार बढ़ता चला जाता है। कभी 4.5 लाख, कभी 5.5 लाख, कभी 6.25 लाख, और अब कहा जा रहा है कि लगभग 7,15,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। अब बजट के मायने क्या हैं? बजट के मायने हैं कि इस बजट से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। इस बजट से आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का प्रयास किया जाएगा। इस बजट से 60% आबादी यानी किसानों को साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की 60% से ज्यादा आबादी गाँव में निवास करती है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग भी गाँव से ज्यादा होती है। शहर की वोटिंग परसेंटेज का अगर हम नजर डालेंगे तो उतना नहीं होता जितना कि गाँव देहात में होता है। और कहते हैं ना कि भारत वास्तव में बसता है तो गांव में बसता है, शहरों में केवल विकास की बातें होती हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें नंदिनी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार एक बार स्पष्ट करने वाली है कि हम किस वर्ग को क्या दे रहे हैं। क्योंकि हाल में ही हमने देखा था कि 1 फरवरी को केंद्र का बजट आया था, उसके बाद लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर थी कि इस बजट में तमाम चीज़ों को दरकिनार किया गया है, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, रेलवे को। हालांकि रेलवे के लिए अलग से बजट जो पहले बनता था वो पटकथा फिलहाल अब हमारे देश में खत्म हो चुकी है। अब एक मुश्त यहाँ पर बजट दे दिया जाता है और उस बजट के माध्यम से यहाँ पर बातें की जाती हैं। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और अब हमारे सहयोगी नंदिनी इस डिबेट को शुरू करेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी सरकार आज अपना विधानसभा में 2023 और 24 का बजट पेश कर रही है, तो देखा जाए आम जनता की इससे काफी उम्मीदें हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो। और जिस तरीके से गौरव जी ने आपने बताया कि जिस तरीके से वाकई में जो है उत्तर प्रदेश की जो जिस तरीके से जनता अपना उम्मीद लगाए बैठी है कि शिक्षा को लेकर क्या मिलने वाला है, रोजगार को लेकर क्या मिलने वाला है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हैं और अश्वनी साही जी हैं हमारे साथ, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। तो इन लोगों का स्वागत करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल मेरा रहेगा अश्वनी भाई से। अश्वनी भाई, कैसे देखते हैं बजट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष तैयारी कर चुका है, सत्र भी चल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र का बजट आया तब भी स्थिति यही बनी रही और अब उत्तर प्रदेश सरकार यानी देश के सबसे बड़े सूबे का बजट आज पेश होगा, कैसे देखते हैं? गौरव जी, देखिए उत्तर प्रदेश और केंद्र मिलाकर पूरा विपक्ष इस समय बेरोजगार हो चुका है। कोई न मुद्दा है और न छाती पीटने के अलावा कोई काम नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ एक है, मोदी योगी के कामों का विरोध करना। अच्छा। केंद्रीय बजट आया, इतना शानदार बजट, पूरे देश के लिए विकास उन्मुखी बजट था, उसके बाद भी आपने विलाप सुना होगा जी। उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो देखने योग्य है। आज हम लोग जो लगभग एक अनुमानित 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, अभी थोड़ी देर में पेश हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा जी। ये कभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने सोचा था इस चीज को जी, कि इतने ज्यादा लेकर जाएंगे? इन लोगों ने हमको 12 लाख करोड़ का जीडीपी दिया था, आज 22 लाख करोड़ की जीडीपी हमने कर दिया है। तो आज पूरे प्रदेश में हर तरफ, चारों तरफ योगी जी की धूम है और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे की मजबूत गूंज है जो बजट में परिलक्षित होती है। बजट आज गौरव जी देखिए इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी चीजों को मिलाकर हर बजट पेश किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में जितना हो रहा है उतना कभी किसी ने सोचा ही नहीं था।
इन लोगों ने क्या आज 32 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जी, किसी ने सोचा था? बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत और विवेकपूर्ण निर्णयों से जी। लेकिन ये चीजें इन लोगों के समझ में नहीं आती है, तो हल्ला मचाएंगे, समझ में नहीं आती, विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। गौरव जी, विपक्ष को समझ में नहीं आती, विवेक पांडे आपको समझ में नहीं आती चीजें, अगर विकास हो रहा है तो समर्थन कर दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोग, ये क्यों आप लोग विलाप करते रहते? अश्विनी भाई बोल रहे हैं, विलाप का कारण क्या है भाई? गौरव भाई बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, तो पूरे मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को अनुमोदन के साथ प्रणाम करूंगा जी, विशेष प्रणाम अश्विनी भाई को समर्पित करता हूँ। अच्छा, क्योंकि जब वो कह रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि हम सरकार है वो विपक्ष है। अच्छा चलिए भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, आज सुबह सुबह बड़े भाई ने एक शब्द कहा 7 लाख करोड़, मैं तो इसको आज 40 लाख करोड़ का बजट मान के चल रहा था। अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि समिट पे जो 33 लाख करोड़ की बात हुई थी उड़ गया। क्या बात, क्या बात। क्योंकि वो भी तो उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है ना, तो मुझे लगा इस कार्यकाल में तो वो सारे निवेश के जितने भी धरातल पे आयाम स्थापित होने थे हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। लेकिन इन्होंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, और देखिए 7 लाख करोड़ का दिखा रहे हैं और 33 लाख करोड़ की वाहवाही बजट है ना, वो तो जो इन्वेस्टर समिट में आया, तो उसको अभी मूर्ति रूप लेने में समय लगेगा ना, मतलब मानते हैं ना कि इस साल भी नहीं होना, इस साल भी नहीं होना, समय लगे भाई। हाँ, तो पहले कार्यकाल में जिस तरह से 1043 MOU साइन हुए थे, उस तरह से इस बार भी जो MOU साइन किए मानते हैं ना आपकी, वो फिर सब हवा हवाई बातें, कागजी बातें। चलिए ठीक है, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बजट है, अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जिस देश में 7-8 करोड़ गरीब नए तरीके से जीविकोपार्जन के लिए लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और सरकार ने बहुत अच्छा काम दिया कि मुफ्त राशन दिया, 300-350 रुपये पैकेट जो भी उसकी कॉस्ट रही हो। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है जी, कि एक जमाना था कि इस देश में 50 रुपये भी राशन मिलता था, राशन कार्ड के माध्यम से लोगों का घर चलता था, आज वो 350 रुपये के हिसाब से चल रहा है। तो इस बजट में, अब तो ये चुनावी बजट है, क्योंकि देखिए जहां पे चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव आ रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल आपकी बात मैंने पकड़ ली। अच्छा, पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, आप सही जा रहे थे। अच्छा, सही जा रहे, जहां चुनाव आने वाले होते हैं वहां पे बजट चुनावी होता है जी। आज तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बजट में योगी आदित्यनाथ इतिहास लिखेंगे। आज गौरव भाई जी, योगी आदित्यनाथ इतिहास लिखने जा रहे हैं, पूरा देश ये जान ले। आपको खुशी नहीं हो रही क्या? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, आज पहली बार भाजपा सरकार अपने ही वादों को मूर्त रूप देने जा रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज सिलेंडर हो सकता है कि 350 रुपये का मिलने की घोषणा हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की बात हो रही थी, अच्छा, आज हो सकता है कि 35 रुपये पेट्रोल की घोषणा हो जाए और 45 या 50 रुपये हो सकता है डीजल की घोषणा हो जाए। अच्छा, भाई जिस तरह से इन्होंने रुदन प्रताप करके सरकार बनाई थी, मुझे लगता है कि अब तो ये केंद्र बहुमत के द्वारा है। रुदन प्रताप कैसा होता है? रुदन प्रलाप वही होता है कि विपक्ष की आवाज दबा करके उसको उसको बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट जी नहीं। आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी कैसे सिलेंडर लेके प्याज लेके सड़कों पे बैठा करती थी। आप लोग करते ही नहीं है, वो करती थी, आप लोग नहीं करना चाहते। नहीं तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आज वो 30-35 रुपये पेट्रोल की घोषणा करने जा रहे हैं बजट में। अच्छा भाई, हम तो पिछले लगातार जब से भाजपा सरकार आई है पूरा देश इसी के इंतजार में है कि भाई बाकायदा सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे। ये बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो राजस्थान में करके दिखा दिया। अच्छा, भाई मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आज बजट आ रहा है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आज चलिए, मैं मानता हूँ कि मुझे भी बुलेट में तेल डलवाना है, टंकी फुल करवा लूंगा, 35 रुपये का तेल की घोषणा कर देंगे आज, तो योगी जी को मैं भी धन्यवाद देके आऊंगा व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, अब इसके साथ एक बात चला लीजिए ना, पेट्रोल डलाना ही नहीं पड़ेगा, क्या दिक्कत है, क्या कर ले, अरे इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाइए ना, पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, काम खत्म। इलेक्ट्रिक गाड़ी के कॉस्ट, अब उसके लिए भी आप वही बात तो आप वही कर रहे हैं ना कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए पहले अपनी इस गाड़ी को बेचे और जाकर के फिर उधार ले। अच्छा, लोन ले। अच्छा, भाई लोन, हाँ लोन जो लेने वाले हैं वो तो देश छोड़ के भाग गए। अच्छा, अब उनकी वसूली इस देश से की जा रही है, चेक डिपॉजिट करने के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं, चेक विड्रॉ करने के नाम पे पैसा अपना अकाउंट से निकालने के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, ट्रांजेक्शन करने के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, ATM लेने के देने के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। एक बात बताइए, मैं कहता हूँ 125 करोड़ से अधिक की जनसंख्या जिस देश में हो, 1 रुपये अगर सरकार एक आदमी से प्रतिदिन भी काटती है, 125 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन होता है पर डे। और मेरी बात आ जाए, उदाहरण मैंने इसीलिए कहा कि 125 करोड़ से अधिक, मैंने ये शब्द इस पे जोड़ दिया था, आप एक बार देख लीजिए। मेरा कहना है कि जो वसूली इस देश से की जा रही है अपने मित्रों, भगौड़े मित्रों को लाभ देने के लिए, अच्छा, क्या इतिहास के इस काले अध्याय में इसको मीडिया कभी चर्चा का विषय बनाएगी? मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे ही पैसे से बैंक रेगुलेट कर रहा है, अच्छा, और जिस तरीके से चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो, लगातार ट्रांजेक्शन के नाम पे जिस तरह से अलग अलग अनर्गल चार्जेस थोपे जा रहे हैं बैंक की सर्विसेज के नाम पे, क्या अगर बैंक में आदमी पैसा जमा करना बंद कर दे
तो सरकार किस वित्तीय स्थिति में होगी। अच्छा। मैं कह रहा हूं कि जो भगौड़े भाग गए आप उनको लाने की क्षमता नहीं रखते, उनके साथ मंच साझा करने की क्षमता रखते हैं, और इस देश का आर्थिक बोझ आपके आर्थिक आपातकाल को इस देश के आम जनता पे थोप दिया जाता है। अच्छा। भाई आप जिस तरीके से अकाउंट मेंटेन करने के नाम पे, चाहे सेवाएं लेने के नाम पे, जिस तरह से बैंक मनमानी कर रहे हैं, आप उस पे तो लगाम लगा नहीं रहे। अच्छा। अब तो आपने रेपो रेट भी बढ़ा दिया, आरबीआई रेपो रेट भी बढ़ा रहा है होम लोन के। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नियत और नीति है ना, ये कथनी और करनी में फर्क साफ दिखता है इनके। अब एक सवाल उठा रहा हूं मैं इस सवाल पे भी, बनारस और गोरखपुर को इन्होंने 100 करोड़ के मेट्रो परियोजना का बजट प्रावधान किया था, फिर बात आई कि बनारस बड़ा व्यस्ततम शहर है, वहां पे रोपवे, मुझे तो रोपवे का अभी तक वो रोप भी नहीं दिखाई दिया कहीं पे। अच्छा। आपके नॉलेज में हो तो जरूर मुझे डालें और मैं पूछूंगा ये 100 करोड़ गए कहां, इसको भी स्पष्ट करें। अच्छा। पूर्व बजट में इनके 50% से अधिक का जो बजट था वो तो खर्च ही नहीं हुआ। अच्छा, नेता मंत्री केवल चुनाव में व्यस्त रहे, प्रचार में मस्त रहे, बजट तो फुस हो गया। अच्छा, फुस हो गया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल फिर वही है। अच्छा। आपने जो मीडिया बाइट चलाई कुछ दिन पहले, जो समिट हुआ उसमें बात हुई 33 लाख करोड़ आया यूपी में, ये स्पष्ट चला है कि 33 लाख करोड़ आया, तो ये बजट 40 लाख करोड़ का क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? अच्छा भाई, उसको जोड़ के दिखाते जी। और मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ, पिछले कार्यकाल में जो बजट प्रस्तावित हुआ था, अच्छा, उसमें जो बजट की धनराशियां नहीं खर्च की गई, अच्छा, अच्छी बात है नहीं खर्च की गई तो ये भी अच्छी बात है, ठीक, लेकिन नहीं खर्च की गई तो क्या उसको जोड़ करके ये 7 लाख करोड़ बनाया गया है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, मैं तो ये सवाल, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने वसूली शब्द का नाम लिया, वसूली क्या टैक्स देना जनता का काम नहीं है, कर्तव्य नहीं है? क्या भगौड़ों को लाना सरकार का काम नहीं है? नहीं, वसूली शब्द का आप नहीं, बिल्कुल मैं बोलूंगा, वसूली क्यों कहा था आपने? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जीरो अकाउंट खुलवा करके अगर आप मेंटेन करने के नाम पे पैसे वसूलेंगे तो मुझे लगता है कि ये वसूली ही है। अगर आप हमारे ही पैसे से हम ही को आंख दिखाने की कोशिश करेंगे, इसे वसूली ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रदीप तिवारी, प्रदीप भाई, भाई मुख्य विपक्ष है केंद्र में, और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी हाल में योगी और तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर आप लोग हमलावर करते रहते हैं, यात्रा निकल रही है, वो यात्रा के माध्यम से यहाँ पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, बजट पेश होने वाला है, उम्मीदों का बजट, इतिहास बनाने का बजट, और जिस तरह से हाल में समिट आई थी 33 लाख करोड़ का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बढ़कर 33 लाख करोड़ पहुँच गया था, और हजारों की संख्या में MOU साइन हुए हैं, कैसे देखते बजट को, और क्या ये बजट किस तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने वाला है? देखिए, अभी तो पेश होगा बजट, तो कुछ खास उम्मीदें करना बेईमानी होगी आम जनता को, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने जब केंद्र का बजट आने वाला था तो इस देश की जनता ने बहुत उम्मीदें लगा करके रखी थी केंद्र सरकार से कि कुछ मिडिल क्लास के लिए भी आप कुछ दोगे, मगर आप जब भी योजनाएं लेकर के आते हैं, केंद्र की सरकार जब योजनाएं लेकर के आती है तो वो भी अपने पूंजीपति, बड़े बड़े जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए योजनाएं लेकर के आती है। बात करते थे, मैं अगर केंद्र सरकार का जो बजट आया उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। अभी तो फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश का जो बजट पिछला आया, क्योंकि अभी तक नया बजट इन्होंने पेश नहीं किया, पिछले बजट का कितना प्रतिशत खर्चा हुआ वो सारी अभी डेटा आपको मिल जाएगा, कितना खर्चा किया, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पूरा उसका खर्च भी कर पाए होंगे। अच्छा। और उसमें बड़ी बड़े जब बजट आया था पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों की जो कहे थे कि आलू प्याज टमाटर इनके न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाएंगे, किसी को क्या पेपर पे ही वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो गए हैं, धरातल पे किसानों को क्या उनका न्यूनतम मूल्य मिल पा रहा है, 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ना का भुगतान हो जाना था, आज उस गन्ने की मिठास किसानों को नहीं मिल पा रही है, भुगतान नहीं हो पा रहा, लाखों करोड़ बकाया चला आ रहा है। आपने कहा था जब आप 2017-18 में आए तब प्रति जो कर्ज था उत्तर प्रदेश पे 4,45,000 करोड़ का कर्ज था, आज 2020-21 में जो बजट आया उससे पहले आप 5,65,000 करोड़ का कर्ज हो जाता है, प्रति व्यक्ति जो कर्ज अगर आप देखेंगे तो 17,000 से वो बढ़कर के 26,000 प्रति व्यक्ति कर्ज हो जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश को कर्ज के बोझ के तले दाबते चले जा रहे हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, 2022 के चुनाव के पहले आपने वादे किए थे, तो इस जो बजट आने वाला है कम से कम उसमें तो उम्मीद कर सकते हैं कि उन वादों का समावेश आप उस बजट में करेंगे। आपने स्कूटी फ्री देने की बात करी, किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात करी, उसके लिए क्या क्या चीजें लेकर के आप आने वाले हैं, तो बहुत सारी किसानों को भी उम्मीदें उससे लगी हुई हैं। आपने कहा था कि बजट 2022 के चुनाव से पहले कि आपने मुफ्त में सिलेंडर तो दे दिए, मगर आज वही महिलाएं फिर से चूल्हा फूकने को मजबूर हैं, दो सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी, दीपावली तो बीत गई, होली आने वाली है, क्या इस बजट में उसको समावेश करेंगे? अच्छा। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। बेरोजगारी पे बात कर रहे थे अभी बड़े भाई हमारे अश्विनी जी की विपक्ष बेरोजगार हो गया, तो विपक्ष नहीं, अच्छा। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को समूचे देश के सहित बेरोजगार कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आप
परीक्षाएं कराते हैं, परीक्षा होने के बाद उनका सफलता का जो प्रतिशत है बच्चों को रोजगार मिलने का वो 0% है। क्यों? क्योंकि आप परीक्षाएं सही ढंग से नहीं करवा पाते हैं। आपकी एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर हुआ हो वो लीक होता है, नलकूप चालक भर्ती परीक्षा का पेपर हो लीक हो जाता है, यूपी सबॉर्डिनेट भर्ती का परीक्षा और लीक होता है, बीएड का पेपर लीक करते हैं, टेट का पेपर लीक करते हैं, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट के जो पेपर के होते हैं बच्चा उसको नौकरी तक जाने ही नहीं देना चाहते हैं। किस तरीके की लचर व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में ये, इस तरीके से आप, अब अगर आप उन बच्चों को ही विपक्ष मान करके बैठ पर चुके हैं तो इसमें भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इस समय तो आप मदांध हैं, मद अंदर भरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने बजट पेश करते हुए बड़े बड़े एयरपोर्ट जो घोषणाएं करी हैं, एयरपोर्ट बेचने का काम करते हैं, नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, उनको भी अडानी अंबानी जी को दे देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उस दिशा में अडानी बना दिया। आप लोग यार बोला नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का एक नया कारनामा बता देता हूँ, अभी तक बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, राज्य भंडारण निगम जिस तरीके से वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का गेहूँ चावल स्टोर होता है आम जनता के लिए, उसके लिए अभी तक वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो गोडाउन थे उनपे होता था, मगर यहाँ पे बड़े बड़े स्टील के गोडाउन अडानी के बनके तैयार हो चुके हैं। अच्छा। वो सारा ठेका आप अडानी को दे देना चाहते हैं। अच्छा। किस तरीके से आप लाभ पहुंचाने व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्ति विशेष जो हैं, जिनकी श्रेणी बार बार कहने में शर्म भी आती है कि प्रधानमंत्री जी के मित्र जो श्रेणी में आते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार काम करती है। आम जनता के लिए अगर आप सोचेंगे, आज बहुत बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि कुछ लेकर के तो जरूर आए, जिससे कांग्रेस पार्टी को खुशी हो या ना हो, मगर कम से कम इस प्रदेश की जनता को खुशी जरूर होनी चाहिए। अब इस चर्चा को नन्हे यारा बढ़ाएंगे जी। हमारा सब सवाल ये रहेगा कि देखिए अश्वनी जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, अमृतकाल का बजट पेश होना है, किस तरीके से जनता को निजात मिलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का। देखिए नंदिनी जी, आज हमारे दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, क्योंकि अब पार्टी का बचाव तो इनको करना है। और विवेक भाई ने जो बातें शुरू की, मैं वहीं से शुरू करता हूं। विवेक जी के सवालों को मैंने बहुत नोट किया, वसूली से इन्होंने शुरू किया, जिस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह गौरव जी ने खड़ा किया था जी। आज इस प्रदेश में ये किसी अखबार में नहीं छपता है, किसी मीडिया चैनल में नहीं आता है जो इन्वेस्टर तक पहुंचे। गौरव जी, जो इनकी सरकारों में वसूली होती थी, जो सरकारी जो प्राइवेट लोग यहाँ पर लगाते थे, जिनके यहाँ जो प्रतिष्ठान चलते थे, वो वसूली यहाँ पर बंद है। अच्छा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में आते ही संगठित अपराध पर समाप्ति का लगाम लगाया, और आज भी वहां पर क्या कहते हैं, जेलों में बंद लोग जो है जिस तरीके से वो किए जा रहे हैं, किस तरीके से पैसा देकर जाकर अपनी पत्नियों से मिलते थे, वो सारे बेरोजगार कर दिए गए हैं। अच्छा। वहां से लेकर सारा वसूली बंद है। ये होता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, तभी कोई अगर कोई एक रुपए का ये लोग कहीं से इन्वेस्टमेंट लाए हो, चार चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बता दें। अच्छा। तो उस समय की बात वसूली की होती है। आज कोई झूठला सकता है कि GDP 22 लाख करोड़ की है, साथ साथ कमिश्नरेट हमने बनाए हैं, ODOP का जो निर्यात का है 1 लाख करोड़ से ऊपर का है उत्तर प्रदेश का। आज ODOP मील का पत्थर है, अभी केंद्रीय बजट में भी उसको शामिल किया गया। उसकी शुरुआत कहां से हुई? उत्तर प्रदेश से हुई। 5-5 हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में, पहले कितने थे? सैफई में हवाई पट्टी बनाई जाती थी व्यक्तिगत लोगों के प्लेन उतारने के लिए। विवेक भाई ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे ये लोग बनवाए, बहुत अच्छी चीज है, मैं सराहना करता हूं, मैं खुले दिल से स्वीकार लिया। लेकिन आज हम 5 एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, और निकट आने वाले भविष्य में 13 एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश जी। ये लोग अभी उसी से नहीं उतर पाए, अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, उससे नहीं उतर पाए हैं अभी जी। सांस्कृतिक पर्यटन, अयोध्या पर इन्होंने क्या किया था, काशी में क्या किया था, मथुरा में कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको एक बताते हुए हर्ष होता है, राम मंदिर जिस दिन बनेगा वो तो मिल का पत्थर लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन आज काशी में, गौरव भाई, आगरा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे, आज काशी में जो है वहां पर कॉरिडोर बनने के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक आए भाई हैं। ये बताइए, आलू प्याज टमाटर का न्यूनतम मूल्य मिल रहा है, ये बताइए। अरे रुक जाइए, नहीं तो ये बताइए ना, मैंने बजट में कहा था न्यूनतम मूल्य मिलने लगेगा, आप उस चीज को तो बताएं कम से कम। गौरव जी, जो मूलभूत कुछ सवाल है उनसे भाग करके आप हर बार
कि कोई एक डिबेट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के प्रवक्ता से लेकर के अगर राष्ट्रीय लेवल के प्रवक्ता पे जाएंगे हाँ। तो कोई डिबेट हिंदू मुस्लिम राम रहीम इनसे हट मतलब उसको इन्वॉल्व करे बिना कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। मेरा समय है, अरे भाई आप बताइए ना, मैं शांत हो जाऊं। बोलिए सुनिए भाई, बोलिए गौरव जी अगर कहें तो मैं शांत हो जाऊं, फिर यही भाई लोग बोले। बात पूरी करिए, बात पूरी करिए अपनी। देखिए उसके बाद अब ये आ गए इन चीजों पर, ये भागते हैं लोग। अच्छा भागते हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं। मोटे अनाज के बारे में कभी किसी ने सोचा था, जिसका निर्यात इस समय विदेशों में हो रहा है। अच्छा। बुंदेलखंड हमारा मोटा अनाज उत्पाद करने का बहुत बड़ा केंद्र है जी। हम इन लोगों ने बुंदेलखंड के किसी घर में नल से जल पहुंचाने का काम सोचा था, नहीं सोचा था। और कांग्रेस के हमारे मित्र दो बात कह रहे थे, उसका भी जवाब दे देता हूं। अडानी का नाम ये जरूर लेते हैं और पेपर लीक का नाम लिया इन्होंने जी। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने नहीं कहा, वो कुछ जादूगर टाइप कुछ कह रहे थे उप मुख्यमंत्री जो पहले हुआ करते थे प्रदेश के अध्यक्ष जी। अच्छा। पायलट साहब कुछ कह रहे थे कि भाई ये कैसे पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, तो मैंने कुछ नहीं कहा उसमें, मुझे कुछ कहना नहीं है। अच्छा। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। अच्छा। दूसरा अडानी का नाम हर बार ये ले आते हैं, मैं फिर वही राजस्थान की याद दिलाऊंगा, 65,000 करोड़ का वहां पर जब अगर पैसा वो लगवाते हैं तो भगवान होते हैं। और उसके भी नई बात, हिमाचल में अडानी की फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की, वो चालू करने का आदेश दे दिया वहां के मुख्यमंत्री जी ने। अरे भाई इतने खराब हैं, इतने बुरे हैं आपके लिए, तो बंद करा दीजिए। क्यों अडानी अडानी चालीसा पढ़ते हैं आप लोग, चाहे राहुल जी पढ़ते हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ते हो। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है गौरव भाई, और इन लोगों के कहने से कुछ नहीं पड़ने वाला है। एक मैं कहना चाहता हूं, जैसे अकेले माननीय योगी आदित्यनाथ जी चले तो एक शेर किसी ने कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो पाता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो माननीय आदित्यनाथ जी ने वो पत्थर उछालने का काम किया, बीमारू राज्य को आज बेहतर राज्य बनाने पर ले आए। इन लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं। अभी विवेक भाई कह रहे थे बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा। अब बताइए दो सत्र हुआ, अखिलेश जी रामचरितमानस और उस पर जो है भिड़े रहे, जातिगत जनगणना पर भिड़े रहे, इसी दिन सवाल एक सवाल दिखा दीजिए कि भाई आपने पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ नहीं खर्च किया, बताइए। नहीं बताते हैं। तानाशाह कहा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए जब कोई काम करता है नंदिनी जी तो उसको तानाशाह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वो सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, प्रदेश की जनता ने हमको नकार दिया और 37 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ जी को चांस दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये लोग जरूर कहेंगे तानाशाह क्या, बहुत सी चीज कहेंगे। अभी तो नाम लेकर कहते हैं हिटलर है तो ये है। अच्छा। देखिए केंद्र में जो है कांग्रेस के नेता किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के पिता को गाली दे रहे हैं, तो ये चीजें तो कहा जाएगा। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हाथी चलती जाती है और पीछे से बहुत आवाज आती है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देश के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं जी। ये अश्विनी भाई ये हाथी और आवाज करने वाला कौन है, इसको भी बता दीजिए कौन आवाज कर रहा है। नहीं अब इतना इतना मैं नाम लेने की बात नहीं, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा। समझदारों को इशारा काफी है, मैं इस तरीके का नहीं हूँ। ये कहावत थी इसलिए मैंने इस चीज को कहा क्योंकि ये बड़ा प्रचलन में रहता है। जवाब प्रदीप तिवारी देंगे आपकी बात का जी। बेबी भाई नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं अश्विनी भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सहमत वसूली बंद हो गई है, मणिलाल पाटीदार का प्रकरण लोग भूल गए हैं, वसूली बंद हो गई है। अच्छा। डिप्टी सीएम इनके जो डबल इंजन है, क्योंकि पहला इंजन खींच नहीं पा रहा था तो दो इंजन और लगाए गए। अच्छा। तो तीन इंजन हो गए, हाँ तीन इंजन ही है भाई, यही बताते हैं डबल इंजन की सरकार है। ठीक है। तो जो इंजन खींच नहीं पा रहा था तो दो इंजन और लगे, तो एक इंजन उसमें लगातार भ्रष्टाचार के पोल खोल रहा था, लेकिन अधिकारियों पे कार्यवाही करने की हिम्मत मुख्य इंजन की नहीं हुई, क्योंकि मुख्य इंजन पहले से बैठा हुआ है, मोटी बुद्धि का है। ये कौन सी बात है, हाथी मोटी बुद्धि का होता है, ऐसे कहावत कही जाती है गाँव में कि मोटी बुद्धि का पगला गया तो विध्वंस है, तो वही है मोटी बुद्धि का हाथी है, क्या किया जाए। अब दूसरी बात पे आऊंगा मैं, इन्होंने कहा कि वसूली बंद हो गई है, इन्हीं के एक नेता हैं मध्य प्रदेश के, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है, उन्होंने शिवपुरी जिले के एक कार्यक्रम में कहा था जसवंत जाटव ने, बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। सुन लीजिए भाजपा सरकार की बात हो रही है, भाजपा सरकार की बात हो रही है। अच्छा, मैंने उदाहरण कोट कर दिया। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इन्होंने बात बहुत अच्छी बात की कि बहुत बड़ा आर्थिक इन्वेस्टमेंट आया है और विकास की तरफ बढ़ रहा है, विपक्ष तो बेरोजगार है। भाई जिस प्रदेश में पहली बार इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिखा गया लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पे कि पत्रकारों को ही पिटवा दिया। अच्छा।
पत्रकारों को पिटवा दिया जी, आप लोग के ऊपर प्रहार होता है, लोकतंत्र की स्याही के ऊपर बाकायदा फांसीवाद लिखा जाता है और उसको ये कहते हैं कि अगर ये विकास है तो मुझे फिर संशय है। याद दिलाना चाहूंगा कि कल ही सपा का एक प्रवक्ता का बयान आया था मनीष पांडे, उन्होंने कहा था कि मीडिया किसी भी मामले को पहले ही ट्रायल ले लेती है, यानी अभियुक्त नहीं होता पहले उसको अभियुक्त घोषित कर देती है। तो अगर पत्रकारों से अभद्रता हुई है तो आपको इसका तकलीफ है कि खुशी है? मैंने तो पिछली बार तो फिर मीडिया पुलिस का बयान आना नहीं चाहिए था। गौरव भाई आप ही के मंच का इस्तेमाल किया था जी टीवी के पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए। क्या बात, जब पीयूष मोडिया जी ने इनके एक अधिकारी ने उससे बदतमीजी करी थी तो इसी मंच का उपयोग किया गया था उसकी भी आवाज को बुलंद करने के लिए। और पत्रकारों का जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में नेताजी के समय हुआ, आदरणीय अखिलेश जी के समय हुआ, इस बात को मुझे जाहिर नहीं करना। ये राजनीति गलियारे से लेकर कलम के गलियारे तक, मनीष पांडे यहाँ पर बयान दिए मीडिया ट्रायल को लेकर, भाई इसके आप फखरुल हसन चांद बयान दिए आपके प्रवक्ता है। मैं आपको जिम्मेदारी से एक वक्तव्य दे दूं जी, बोल दीजिए। अगले सेशन में उनको जोड़ लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, रख लीजिए। जैसे कि अश्विनी भाई कह रहे हैं वसूली बंद हो गई और इन्हीं के नेता कह रहे हैं वसूली के बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा, तो भाई हर पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं जवाब अब देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, मेरी बात आ जाए उसके बाद आप बोल नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आज इस देश को आप आज इस देश को आज बजट पेश हो रहा है। मैं तो अश्विनी भाई के माध्यम से योगी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको कोई राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हमारे बड़े भाई को पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठते ही राजनीतिक विषय शुरू कर देते हैं। मैं आज फिर इसको गंभीर संवेदना वाला विषय मान रहा था, इन्होंने विपक्ष को बेरोजगार बता के हम लोग को उकसा दिया। चले ठीक है, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा बजट ये सरकार पेश करे जिससे ये जो कानपुर जैसी घटनाएं, चाहे जो कल मीडिया के साथ हुआ, जो भी ये घटनाएं जो कलंकित करने वाली घटनाएं हैं, इन पे कहीं ना कहीं विराम लगे। तो मैं एक सुझाव ये देना चाहता हूं कि आज देश में पहली बार एक ऐसा बजट, एक ऐसा ऐतिहासिक बजट, एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट किया जाए जहां किसानों को पहली बार ऋण की योजना ना लाते हुए ऋण देने की बात ना की जाए, उनको एमएसपी देने की बात की जाए। अच्छा, मैं कह रहा हूं आप किसानों को अगर 40 लाख करोड़ का ऋण देने की योजना बना रहे हैं तो आप उसको 30,000 करोड़ की एमएसपी कर दीजिए, मेरा ये निवेदन है। अच्छा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 80-82% जो अल्प आय का किसान है, अच्छा, वो कहीं ना कहीं केवल और केवल प्रकृति की मार से अपने किसानी को पूरी तरह से परिपक्वता के साथ नहीं संपादित कर पाता, जिस कारण उसे हमेशा नुकसान में रहना पड़ता है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अब हमें किसानों को प्रोत्साहन करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं आप उनको ऋण मत दीजिए, आप उनको ये गारंटी दीजिए कि अगर उनका नुकसान भी होता है तो उनको उनके पूरे खुद उनके लागत की जो भी उनका है उसका पूरा मूल्य दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं उनके आत्मबल को मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये एक सार्थक, मुझे लगता है कि इस पैनल पर बैठा हुआ कोई भी इस बात पे संशय नहीं कर सकता कि ये जो मैंने सुझाव दिया, इस सुझाव में कहीं से भी कोई कमी हो सकती है। मैं कह रहा हूं बजट का प्रावधान आधा कर दीजिए, लेकिन ऋण की जगह आप उनको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। ये मेरा एक निवेदन भी है, मेरा एक सुझाव भी है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सुझाव सरकार को, सकारात्मक रूप से चाहे तो लीजिए, ना लेना हो मत लीजिए। दूसरी बात पे आता हूं, आपने कहा था पूर्व बजट में 40,402 शिक्षक भर्ती की जाएगी, क्या वो भर्तियां संपादित हुई? 50% से अधिक जो भर्तियों के पर्चे आपके लीक हुए हैं, उसके बाद यूपीएसआई में जिसमें 30 से अधिक सेंटर मालिकों पे एफआईआर हुई है, जिसमें 60 से अधिक एफआईआर में 200 से अधिक लोग नामजद किए गए हैं, और उसमें एसटीएफ ने बकायदा 15 से 50 लाख तक के बकायदा रेट पकड़े, जिसमें कि हैक करके सिस्टम को अलग तरीके से उसमें उसको मैनिपुलेट किया गया, और उसमें गलत अभ्यर्थी, मेरा कहना है योग्य अभ्यर्थियों की आड़ में इस तरह के अभ्यर्थी जो कि इस तरह के जोड़ तोड़ की राजनीति जोड़ तोड़ की गणित बिठा करके चयनित हो रहे हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है। तो उस पर मेरी एक मांग है आज सकारात्मक रूप से, उस पर एक एसआईटी या जांच की एक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक कमेटी गठित कर दीजिए, ये क्योंकि लगातार बच्चों की मांग उठ रही है, ये मांग उठ रही है, क्योंकि देखिए बजट की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार अगर आप दे रहे हैं तो नौकरियों को बेचने का काम बंद करिए। अच्छा, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा के नेताओं का भी नाम आया, भाजपा के नेता नौकरी बेच रहे हैं लोग। हाँ, भाई मैं तो कह रहा हूँ 15 से 50 लाख के रेट अगर चल रहे हैं जाति के आधार पे, तो इसको आप क्या कहेंगे? जाति के आधार पे चल रहा है भाई। और एक सवाल पूछूंगा मैं, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, आपकी सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, नहीं हो रहा क्या? राकेश सचान के पास 72 प्लॉट, मैं अभी तक एक नहीं ले पाया। अच्छा, मैं क्या, मुझे लगता है इस पैनल पे जितने लोग बैठे किसी के पास, शायद अश्विनी भाई ने शायद ना ले पाए हो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ 72 प्लॉट अश्विनी भाई दो ही दिला दीजिए, हम तो विपक्ष के लोग हैं, इतना भी हमको घृणित नजरों से मत देखिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 प्लॉट दिलवा दीजिए हमें भी। 72 प्लॉट एक नेता के पास, कहाँ कार्रवाई हुई?
किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कानपुर की घटना में किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, हाथरस घटना में दो आईएएस तीन आईपीएस किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कार्रवाई की संशोधित तो सीबीआई ने की थी। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसफर भ्रष्टाचार पोस्टिंग में जो एक रिपोर्ट उजागर की गई थी आपको याद होगा, फिर उस आईपीएस को बिठा दिया गया एक साल के लिए, उसी का चरित्र दोहन करवा के। तो मुझे लगता है पूर्व डीजीपी का नाम है, मैं उस विषय में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है बजट ला रहे हैं तो राजनीतिक बजट मत लाइएगा। 35 रुपए का पेट्रोल आपने कहा था, मैं कह रहा हूँ चलिए एक सुझाव और देता हूँ, शराब पे 50 रुपए सेस बढ़ा दीजिए ना, और दूध पे कम से कम 20 रुपए कम कर दीजिए, 2 रुपए कम कर दीजिए। जो आपने जीएसटी लगाया है दूध पनीर पे, मेरा कहना है जो आपने गोवंशों के लिए बजट का प्रावधान किया था 480 करोड़, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, 19-20 के बजट पे था, उन गोवंशों की दुर्दशा क्या है, क्या सोशल मीडिया नहीं देखते, क्या शाही भाई भी देखते होंगे, उनकी भी आत्मा रोती होगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो भी गोवंशों के प्रति सम्मानित भाव रखता है, आदर रखता है उसकी आत्मा, लेकिन आप अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, पशुपालन विभाग आपका भ्रष्टाचार के दायरे में था। रुक करते हैं प्रदीप जी की तरफ, क्या क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाथी की चाल चलती रहे और लोग भोगते रहे, जिस तरीके से कांग्रेस कौन कौन सा मुद्दा उठाती अगर बजट पेश करती, तो चार बड़े मुद्दे देखिए शाही जी बिल्कुल ही अपने केंद्रीय नेतृत्व के नक्शे कदम पर बयानबाजी है, क्योंकि वैसे ही वो बोल रहे हैं। अब उन्होंने शायद मेरे हिसाब से, अगर उन्होंने, मैं गलत हूँ तो बता देंगे वो, कि उन्होंने हाथी शायद प्रधानमंत्री जी के लिए कहा होगा, और जो पीछे भौंकने वाली बात है वो इस आम देश की जनता, जो जनता है उसके लिए कह रहे होंगे, कि जनता परेशान है कि उसको, मैंने पहले क्वेश्चन किया उस पर बताया नहीं उन्होंने कि आलू प्याज और टमाटर का न्यूनतम मूल्य देने की बात कही थी, जो किसान वो परेशान है, वो अब वो कह रहा अपनी बात कह रहा, उसको अगर ये भौंकना कह रहे हैं तो ये बड़ी विडंबना है, कि अगर किसान परेशान होकर के कह रहा है कि हमें न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो ये कह रहे भौंकते रहो, हाथी तो चलता जा रहा, उसको जो करना वो करता रहेगा। अगर बेरोजगार परेशान है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जिन रोजगार जिन जो नौकरी आप निकाल भी रहे हैं, जहां पे देना चाहिए तो आप उनका हक मार देते हैं, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के हक मार देते हैं, आज भी वो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, कैसे हक मार दिया गया, कहीं कहीं तो आपके जो मंत्री थे पूर्व बेसिक के मंत्री, उनके भाई के द्वारा किसी का हक मार दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी ले ली जाती है, बड़ा विवाद होता है तो हटाए जाते हैं, तो हक मारने का काम किया जाता है, उस पर अगर इस देश की जनता परेशान होती, प्रदेश की जनता परेशान होती है, तो ये कहते हैं कि हमारे नेता तो हाथी हैं, वो चलते जाएंगे, आपको भौंकना है तो भौंकते रहो। अब बात कर रहे थे कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने जैसे ही मैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस सिर्फ सुझाव दे सकती है कि अगर आपने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए थे तो कम से कम उनमें गैस का रेट इतना कर दीजिए कि वो गरीब महिला भर जाए, वो गरीब महिला कम से कम सिलेंडर को भरवा सके और उसको फिर से वो कैंसर दमे की बीमारी से जूझना ना पड़े, आज चूल्हा फूकने पे मजबूर हो रही है। कम से कम किसानों के लिए सिंचाई, इतनी बिजली महंगी कर दी आपने, फिर से महंगी करने का प्रस्ताव आपका बन रहा है, तो कम से कम उनके लिए जो बिजली मुफ्त का वादा किया है वो कम से कम इस बजट में लेकर के आइए, जिससे उनको बिजली मुफ्त मिल सके। इस प्रदेश में बहुत सारे लोग गन्ने की खेती करते हैं, कम से कम वो मिठास बरकरार रखिए, उनसे ऐसे संबंध बनाइए, उनको कम से कम न्यूनतम मूल्य जो है उसको थोड़ा बढ़ाने का काम करिए, और कम से कम समय से वो जो बजट आपका हो उनको मिल तो जाए, मिल ही नहीं पा रहा, सालों से लोग परेशान हो जाते, दौड़ते रहते हैं, किस तरीके से बिचौलिए उसमें खेल कर देते हैं, इन सब पे लगान लगानी चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आम जनमानस जो है उसके लिए कुछ ऐसा आपको करना जरूर चाहिए इस बजट में। जो मैंने चीजें गिनाई हैं आपके ही वादे हैं, मैं कोई नई चीजें लेकर के नहीं आ रहा हूं, जो आपने चुनाव जीतने से पहले वादे किए उन्हीं को समाहित करते हुए उसको धरातल पे उतारिएगा जरूर, पेपर पे नहीं। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं पेपर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर पे और बड़े बड़े बयानबाजी, बड़े बड़े जुमले बोलने में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर हैं, वो इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को हजम नहीं होता है। और बड़ा खेद का विषय है, शाही साहब जैसा प्रवक्ता बैठ करके अगर इस प्रदेश की जनता को भौंकने वाला और अपने नेता को हाथी बताता है तो बड़ा, अगर प्रदेश की जनता मांग कर रही है तो भौंकना तो उसी को कह रहे होंगे, मुझे यहाँ तक लग रहा है। जवाब दे दीजिए अश्वनी शाही जी। देखिए कांग्रेस को बहुत कुछ लगता है और ये लोग ऐसे ही दलीलें देते हैं, क्योंकि ऐसे जो है एक नेता के नीचे ये पूरी पार्टी पनप रही है, जो खुद जो है देश को देखने निकला कि 3740-4000 किलोमीटर की यात्रा की देश में क्या खुशहाली है क्या नहीं है, तो सब कुछ उनको बहुत बढ़िया लगा। वो देखने के बाद
वहां कश्मीर में पहुंचकर उनकी बयान सुन लीजिए, मैंने तो इनको मार दिया, उनको मार दिया, तो कांग्रेस के नेताओं की बात पर बहुत भरोसा मत कीजिए। अच्छा। मैं शुरू करता हूं अपने समाजवादी पार्टी जो हमारी उत्तर प्रदेश की का बजट है, और बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी के उसकी बात करता हूं, बीच बीच में कांग्रेस का भी जवाब देता रहूंगा। ये लोग कहते रहे कि भाई ये नहीं होता है, आज कहे कि ये देखिएगा एमएसपी देखिएगा, वो किसानों को देखिए, उनको देखिए, बहुत कुछ चीजें कहा। मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, अभी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, और बुलेट ट्रेन पर बड़ा सवाल खड़ा करते रहे कि बुलेट ट्रेन कहा गया था लाने के लिए, नहीं लाया गया। तो आपके पास चौथा स्तंभ है गौरव जी, नंदिनी जी, और आप अपने संवाददाता भेजिए, देखिए आज सरकार हमारी गुजरात में है, गुजरात में कितना परसेंट काम पूरा हो चुका है, और महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरीके से उलझा दिया। अब हमारी सरकार आई है तो हम लोगों ने उसको क्लियर करा दिया, और अब बुलेट ट्रेन का जो है बहुत तेजी से काम वहां भी चालू हो चुका है, और दुनिया भर के जो है टेलीविजन, दुनिया भर के, हिंदुस्तान की नहीं, टेलीविजन चैनलों ने उसको कवर भी किया था अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात। तो ये लोग सवाल ऐसे उठाते हैं, हम लोग एक मिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग पिछले बजट की बात है, मैंने जो अभी न्यूनतम मूल्य की बात करी, जो आलू प्याज और टमाटर को लेकर के थी, क्या वो न्यूनतम मूल्य मिल गया, और किसानों को 14 दिन के अंदर जो भुगतान होना था गन्ने का, क्या वो हो रहा है? अगर 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 कांग्रेस पार्टी किसानों की बात उठा रही है तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इधर उधर की बातें करती है। भाई आप बताइए, क्या आपने पिछले बजट में ये चीजें समाहित नहीं करी थी? क्या हो गई, वो धरातल पे उतर गई है चीजें? गौरव जी मैं तो किसी के बीच में बोल नहीं रहा, क्यों बोल रहे हैं लोग, या तो आपका बहस जो है डिरेल कर दिया जाए। ये लोग बोल रहे हैं, मैं शांति से सुन रहा हूँ। जी बोलिए आप गौरव जी, बहस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब आपके पास है या इन लोगों के पास है? बोलिए असीम भाई, बोलिए, मैं भी बोलूं बीच में? बोलिए ये भाई, ये लोग तो अगर हो सकता है स्टूडियो में बैठे हो या कहीं और बैठे हो, मैं नहीं जानता, मैं तो किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। और ये कोई गरिमा नहीं होती है प्रतीक जी, बीच बीच में बोले, मतलब मैंने आपको धैर्य से सुना, थोड़ा सा भाई आप उस चीज पे जवाब दे करके ना दे करके, राहुल गांधी जवाब होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी की जवाब होने चाहिए, आप हट करके महाराष्ट्र राहुल गांधी की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही थी? गौरव जी बुलेट ट्रेन की बात क्या योगी आदित्यनाथ सरकार ने कही थी? अरे भाई उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, उस पे बताए ना। बोलिए 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 भाई, बात पूरी करिए गौरव जी, अगर ऐसे बहस हो तो मैं सुनूं भाई, अच्छा लग रहा है सुनते हुए। बोलिए बोलिए आप, नहीं ये कौन सी बहस की गरिमा नहीं पता प्रतीक भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बीच में बोले मैंने एक शब्द बोला हो तो बताइए, यही अंतर है ये गौरव जी, यही अंतर है आज भाजपा और विपक्ष में, ये अंतर है, यही अंतर है। विवेक जी मैं आपका जवाब इसलिए देना चाहता हूँ, आपने एक बात उठाया कि भाई आप शराब पर दाम बढ़ा दीजिए, याद है आप अखिलेश जी की सरकार थी तो 25% उत्तर प्रदेश में शराब के दाम कम कर दिए थे जी। 100 करोड़ का बजट सफाई के लिए सिर्फ होता था। अच्छा मैं अभी भी स्ट्रिप का नाम लिया, अगर सफाई में हवाई अड्डा बना होता तो आज प्रदेश की जनता को खुशी होती। जवाब देता हूँ, वहां आपने मेडिकल कॉलेज बनवाया, हम लोगों को बहुत आनंद है, अच्छी चीज है, सुविधाएं मिल रही है वहां, लेकिन वहां पर एयर स्ट्रिप बनवाया, वो किस काम की एयर स्ट्रिप है? अच्छा आपके निजी लोगों के वहां जहाज उतर रहे थे और निजी कार्यक्रम होता था, लेकिन आज हम 5 जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डे देने का काम कर रहे हैं तो प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। अच्छा आप आज कह रहे हैं शराब की बात, शराब 25% आपने कम किया था प्रभु, और 11 बजे तक दुकानें खुलवाते थे, किस तरीके से आपने शराब को बिकवाया? दूसरा आपने कहा पत्रकारों की आवाज उठाने का, बहुत शानदार है, मैं साधुवाद देता हूं कि आप आवाज उठाते हैं। अच्छा मगर एक संभल की घटना मुझे याद है, मैं गौरव जी आपको भेज दूंगा, आप विवेक भाई को भेजिएगा, संभल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी वहां संभल में कार्यक्रम करते हैं, 2018-19 की घटना है। अच्छा और पत्रकार एक हाल में रहते हैं, और किस तरीके से पत्रकारों के साथ अखिलेश जी स्वयं जी धक्का मुक्की करके बेइज्जत करते हो, किस तरीके से, वो पूरा वीडियो है मेरे पास जी, वो उसकी बात आपने उठाया। शाहजहांपुर में जागेंद्र स्वरूप एक पत्रकार को इनके मंत्री ने जलाकर मार दिया, उसकी बात नहीं उठाया इन्होंने जी। तो अच्छी बात है आवाज उठाना, अच्छी बात है सुना जाएगा, लेकिन आज जो है
इस तरीके की बात, बजट पर आप लोग फोकस कीजिए, बजट पेश होने जा रहा है और आज बजट का जो खाका खींचा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास का खाका खींचा जा रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, बंबई में एक किया था, एक सबमिट किया था बंबई में, लखनऊ में नहीं कर पाए थे, एक रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। मैं जवाब दे दूंगा भाई, ये एक एक व्यक्ति है, देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कोई भ्रष्टाचार उनको चाहिए नहीं, क्योंकि वो ऐसे जगह के मठाधीश हैं कि उनमें सैकड़ों अरबों करोड़ों की संपत्ति उनके नीचे है, लेकिन मुकदमा आय से ज्यादा संपत्ति का किसके ऊपर चलता है? माननीय मुलायम सिंह जी और उनके पुत्र के ऊपर। साबित भी कुछ नहीं होता, ये भी बता दीजिए, साबित भी कुछ नहीं होता। विवेक जी मैं थोड़ा सा पूरा कर लूं। हाँ। उसके बाद एक डील होती है यूपीए सरकार से, सरकार बचाने के एवज में, उस समय मुझे याद है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जोशी साहब हुआ करते थे जी, उस वो रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं होने दिया गया और सरकार बचाने के एवज में, जो न्यूक्लियर डील थी उसमें सरकार बचाने के एवज में ये सीबीआई की जांच भी रुकवा दी गई। अब भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो जांच को खोल दिया गया है, अब आने वाले दिनों में देखिए क्या स्थिति होती है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति बड़ी है। विपक्ष का जवाब ले लेते हैं, जितने सवाल आपने किए हैं विपक्ष का जवाब ले लेते हैं। अभी कल यूपी में काबा आपने सुना ही होगा, पार्ट टू पे नेहा राठौर को इतना डर गई है सरकार की, उसने नोटिस जारी कर दी। अच्छा, अब लोकतंत्र में अश्लील और भद्दे छायाकारी को दिखाने वाले लोगों को ये पद्मश्री से सम्मानित करते हैं भाई, जिसने सेना की वर्दी का अपमान किया उसको पद्मश्री दे दिया एकता कपूर को। अच्छा, आपको पता ही होगा पद्मश्री इन्हीं की सरकार ने दिया है जी। और उनके अल्ट बालाजी के जरा वेब सीरीज देख लीजिएगा कि कितनी अश्लीलता परोस रही है। और उसके बाद नेहा राठौर जिसने एक सत्य पे केवल गाना बना दिया, उसको इनकी सरकार इतना डर गई कि उसको नोटिस दे दिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात देखिए 160 सीआरपीसी का स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनका कहना है समाज में अराजकता फैल रही है। कानपुर की घटना पे अराजकता ना दिखाई दी इनको भाई, जिसने आवाज उठाई, जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे चप्पलों से इनके मंत्री पिटवा करके उनको जेल भिजवा देते हैं, और इससे इन्वेस्टर समिट पे बहुत अच्छा संदेश जाता है। अच्छा। और ये देख करके इन्वेस्टर समिट वाले तुरंत तैयार हो जाते हैं कि अब हम अपने उद्योग यहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अराजकता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और रही बात इन्होंने क्या कहा, सैफई महोत्सव, एक नोएडा में मैं सुन रहा था कि कोई फिल्म सिटी बन रही थी गौरव भाई जी, बड़ी वाहवाही उस पे, बड़े बनने वाले प्रचार बनने वाले, नहीं मतलब मैं तो सुन रहा था कि बनके तैयार हो गई वहां शूटिंग, मेरी बात आ जाए देखिए बनने वाली है वहां, तो मैं भाई बनने वाली है, अब ये कब तक बनेगी, ये तो वाहवाही लूट चुके हैं उसकी, प्रचार विज्ञापन प्रसार सब हो चुका है, उसकी वाहवाही भी लूट चुके हैं। लेकिन एक बात सत्य है, मैं अश्विनी भाई की बात से सहमत हूँ, अब 100 करोड़ खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिकारी काफी है ठुमके लगाने के लिए, और उत्तर प्रदेश में जितने ठुमके अधिकारी लगा करके 100 करोड़ कौन अधिकारी ठुमका लगा रहा है बता दीजिए जरा भाई, आपने कानपुर प्रकरण में देखा? अच्छा, डीएम पिशाच राज के जंगल राज में एक तरफ दो शरीर जल रहे थे, अत्याचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी थी और अधिकारी ठुमके लगा रहे थे, और सबसे बड़ी बात न्याय मांगने वाले चप्पल से पीटे जा रहे थे, और उन्हीं के ऊपर फिर सुनिए सबसे बड़ी बात SC ST में कार्रवाई भी हो जाती है। भाई अश्विनी भाई बहुत अच्छा न्याय है ये, तो मतलब कोई भी जो क्रिमिनोलॉजी जानता होगा वो इसको देख करके आज वाहवाही कर रहा होगा, आपके उद्योगपति भी वाहवाही कर रहे होंगे, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, राकेश सचान पे ईडी सीबीआई लग गई क्या? राकेश सचान के भ्रष्टाचार पे ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हो गई क्या? अच्छा भाई जांच तो शुरू होती है, कार्रवाई नहीं होती, हो जाएगी जांच, हो जाएगी नहीं? अरे जांच क्या, कितना टाइम लगता है जांच करने में? 24 घंटे के अंदर आदेश दीजिए, वहां टीम पहुंच जाती है। अच्छा। अभी विपक्ष की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे इनकी बात हो, कांग्रेस की बात हो, देखिए ईडी सीबीआई बस वेट करती है, फोन ऐसे रखकर बॉस का फोन आ रहा है, बस किस नेता के घर पहुंच रही है। मैं तो पूछ रहा हूं राकेश सचान के अंदर जांच शुरू हो गई क्या? इन 72 प्लॉट, एक मिनट मेरी बात आ जाए, इन 72 प्लॉट का राजस्व भूले कहां है? इन 72 प्लॉटों का मूल्यांकन क्या है? इन 72 प्लॉटों में आधार में मारा गया, दबाया गया, आप अपने सारे नेताओं की जांच कीजिए। अश्विनी भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे कई भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में योगी जी के उसमें संरक्षण में अपने आपको बनाए बैठे हैं। आप मेरी प्रदीप जी, बजट पेश होने वाला कुछ ही मिनटों में, बजट पेश होने वाला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी मैंने जो मूलभूत सवाल रखे अपने अश्विनी भाई से मैंने जानना चाहा, मगर उन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए अश्विनी भाई इधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने नहीं बताया कि जो पिछले बजट में न्यूनतम मूल्य देने की बात हुई थी नहीं मिल रहा है, किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, उस पर कोई बात नहीं कही। उन्होंने इस चीज़ का भी आश्वासन नहीं दिया कि इस बजट में उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले थे, गैस के रेट कुछ
अपनी तरफ से अगर स्टेट का जो टैक्स है उसमें कम कटौती करके, पेट्रोल के डीजल के दाम इतने बढ़े हुए, इनमें कुछ पेट्रोल स्टेट गवर्नमेंट कटौती करेगी, उसका कोई आश्वासन नहीं, बेरोजगारी पे कुछ भी इन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि हाँ, में डीजल का दाम अभी 3 रुपए बढ़ाया आप लोगों ने। आपको उत्तर प्रदेश का बजट हो रहा है पेश, उत्तर प्रदेश में बात करनी चाहिए, कहीं आप जापान पहुंच जाएंगे, चाइना की बात करने लगेंगे, चाइना पहुंच जाएंगे, दूसरी जगह बातें हैं। विवेक जी का बजट आने वाला है, हमारे जो वादे किए थे 2% पूरा वोट नहीं, रोजगार मिलेगा आपकी जो है। अभी आप जाने के बाद बड़े भाई हैं आप, 14 से हमारी सरकार आई है, प्रियंका गांधी आजकल पेंटिंग में नजर आ रहे हैं, अगर कष्ट होता है प्रियंका गांधी ने पेंटिंग बनाया होगा तो बता दीजिए क्यों पेंटिंग नहीं बना रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ कर डूबे हुए कांग्रेस जी गमले में गोभी नहीं उगा पा रहे हैं। अगर आप भाई देश को भ्रमित कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी प्रदेश में आप लोग समाप्त हो चुके हैं, आपको वो बातें हजम नहीं हो रही, के कगार पर हैं और इस समय कुछ भी ऐसा नहीं है आप लोग की आम जनमानस के लिए हो, तो जाहिर सी बात है आप इधर उधर की बातें करेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए कि आपने जो वादे किए थे उसमें से एक दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ रोजगार वाले के तरीके जब संसद में डेटा देंगे तो कहेंगे 0.50% डेट हमने पूरा कर दिया, वैसे ही कुछ पॉइंट में आप बताएंगे कि हमने पूरा कर दिया जी। तो कम से कम आश्वस्त करिए इस प्रदेश की जनता को कि उसका भरोसा इस सरकार में टिका रहे, जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है आजकल पेंटिंग नहीं बना रही है 2.5 करोड़ में जो बेचे थे, इस देश का गृह राज्य मंत्री एंटोनी साहब की पत्नी भी पेंटिंग नहीं बना रही है, 2 पेंटर विलुप्त हो गए इस देश से, आप भूल गए ना, भूल गए होंगे अजय मिश्र टेनी को, जब अजय को लेकर के जिसने गाड़ी चला दी और हत्या कर दी, उस पर सवाल किया जाता है तो पत्रकारों को धमकाया जाता है, तो आप भूल जाते हैं अपने गिरेबान में झांक करके देखने की कोशिश करिए, देखिए आप अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप लाभ पहुंचाएंगे, किसान अगर परेशान है वो आपसे मांग करेगा, उसको बताएंगे आप भौंक रहे हो, ये इस प्रदेश में नहीं चलेगा। अपने पास है वही काम कर रहे हो आप लोग, हम क्यों कहने जाएंगे। संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनके बेटे का नाम बलात्कार में आया है, आप पहले उनकी जांच करवाइए, जेल में जाएंगे, पिछले बजट की चीजों में जेल जाएंगे। लगातार आपके नेता जो है पिछला बजट आप पूरा नहीं कर पाए, ईडी सीबीआई बजट लेकर आने वाले लीजिए, ठीक है वो भी एक राजनीति जुड़ने, बहुत धन्यवाद। आप सीधे आपको लेके चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहाँ पर 18वीं विधानसभा का यहाँ बजट पेश होने वाला है, दूसरा बजट, और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करने वाले। सीधे आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ ले चलते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, सुरेश खन्ना वहां पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वो भी वहां पहुंच चुके हैं, और कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश का यहां पर बजट पेश होने वाला है 2023-2024 का, और जनता की बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदों का बजट, विश्वास का बजट और चुनावी बजट, तीनों बजट की मैंने सिर्फ यहाँ पर बात कही, क्योंकि यहाँ पर इस बजट के माध्यम से तीनों मुद्दों को हल किया जाएगा, हर वर्ग के लिए विश्वास, हर व्यवस्था के लिए चुनाव, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उम्मीदों का बजट, इसलिए कि बजट पर तमाम चीज़ें निर्भर करता है, क्योंकि गृहस्थी भी इसी बजट पर निर्भर करती है। और आपको सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ ले चलते हैं।